धार जिले के प्रीतमपुर में एक युवक की गला रेती हुई लाश मिली है। मृतक ग्राम धन्नड़ का 22 वर्षीय युवक करण सिंह, जो किराए के मकान में रहने वाला बताया जा रहा है। युवक की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। युवक की लाश के पास से एक धारदार हथियार भी मिला है। पुलिस द्वारा युवक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। एक ओर जहाँ युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है, वहीं पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा, पता लग पाएगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। युवक करेंसी खंडवा जिले का रहने वाला था और प्रीतमपुर में एक फैक्ट्री में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। प्रीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, धन्नड़ का एक मामला आया है, गर्दन काट ली है, क्या है पूरा मामला? मर्ग कायम हुआ है उसमें। अच्छा। हाँ, और डेड बॉडी अस्पताल में रखवा दी है। अब पीएम होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो अभी वो गला कटा है। अच्छा। हाँ, तो अब वो पीएम में क्लियर होगा। मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक खंडवा तरफ कोई गाँव है, वहाँ का रहने वाला है। यहाँ काम करता था वो, यहाँ धन्नड़ में रहता था। ठीक है, आपका नाम बताओ। ब्रह्मानंद चौहान। वही अपना अग्रवाल का। क्या लग रहा है आपको? सर, मैं इस बार तो हमने जहाँ पर था कि मैं वहाँ पर नहीं रहा उस समय। अच्छा, तो अभी क्या उसकी मौत हो गई? कंपनी में था। हाँ, मेरे को फोन आया है तो मैं वहाँ से आया कंपनी। तो वो क्या कुछ मानसिक तनाव था या कोई हत्या हो गई या क्या लग रहा है? ऐसा कुछ काम को तो करता था कंपनी में। अच्छा, क्या नाम था उसका? करण करोले। तो क्या घर में ही काट ली गर्दन? नहीं, काटी है किसी ने, काट दी है इसका, मैं कैसे बता सकता। वही तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या आपको क्या लग रहा है, हत्या है उसकी या खुद ने काट ली? हत्या लग रही है आप। क्या नाम आपका? किशोर डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।